हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बॉस एफएक्स का कैबिनेट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको यहाँ पे बर्च प्लाई और मरीन प्लाई सभी तरह के अच्छे क्वालिटी के कैबिनेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपके डुअल सब हो, स्कूप बेस हो, या फिर हो लाइनरे, आपके 15 इंच हो, लाइनरे आपको सेटअप बनाना है, आपको अपने स्पीकर को असेंबल्ड करना है और आप ढूंढ रहे हैं कि हमें अच्छा कैबिनेट्स मिल जाए अपने आपको अच्छा कैबिनेट्स के लिए बर्च प्लाई में, या फिर कोई अच्छा कैबिनेट आपको बिल्ड कराना है, तो आप यहां से बिल्ड करा सकते हैं। अपने साइज़ की स्पीकर के यहां पे कैबिनेट्स बनवा सकते हैं और अच्छी कैबिनेट्स क्वालिटी के यहां पे आपको जो इनमें आपको कलर्स भी मिलते हैं वो भी अच्छे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 इंच की। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 इंच में आपको देख सकते हैं, 15 इंच में भी आपको कई सारे मॉडल्स आते हैं। RCF में भी आता है और JBL मॉडल में भी आता है। तो यहाँ पे ये बर्च प्लाई में आप देख रहे हैं, बर्च प्लाई में और मरीन प्लाई दोनों में आपको मिल जाते हैं, बट दोनों के काफ़ी अलग अलग डिफरेंस प्राइस होते हैं। जो प्राइस रेंज है वो आपको सामने आप देख सकते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और देख सकते हैं सेंटेक्स पेंट वगैरह इनमें आपको कम्प्लीटली मिलेगा। HF वगैरह जैसे आपको HF लगानी है, किसी भी कंपनी की लगानी है, इम्पोर्टेड हो या फिर आप अपने से जो भी कंपनी है वो लगा सकते हैं। आप असेंबल करके साउंड वगैरह चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस रेंज है वो लिखा हुआ है। एग्जीबिशन प्राइस का अलग प्राइस होता है दोस्तों। ये वीडियोज़ जो है आपको एग्जीबिशन के वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे बर्च प्लाई के जो प्राइजेज है 18,000, 80,000 और उसके अलावा आपको मरीन प्लाई के अलग यहाँ पे मिल जाती है। जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी है इन्होंने। आपको जैसे सब वूफर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपके कैबिनेट्स का यूज़ होना, जैसे आपके कैबिनेट्स हैं तो वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए ताकि आपका बेस जो है वो आपकी प्लाई छोड़े ना, और फिर अगर आपकी प्लाई सही नहीं होती है तो बेस का डेप्थ जो है अच्छा नहीं निकलता है। तो ये कैबिनेट्स में देखना ज़रूरी होता है कि आपके कैबिनेट्स काफ़ी अच्छे हो। यहाँ पे इन्होंने ऑफ़र लगा रखा है, अगर आप परचेस करते हैं इनसे कैबिनेट्स वगैरह अभी बेस वगैरह, तो आपको यहाँ पे कवर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे स्कूप बेस वगैरह, यदि आप स्कूप बेस जैसे आप अपने सिंगल बेस स्कूप 18 इंच के स्कूप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 26,000 के आपको स्कूप बेस देखने को मिल जाते हैं। 26,000 के ये जो आप देख रहे हैं स्कूप बेस आप लगाना चाहते हैं सिंगल सबवूफर में, या फिर आप साइड फील्ड में डालना चाहते हैं सबवूफर वगैरह, तो यहाँ पे ये स्कूप बेस आपको मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको जैसे अपने डीजे वगैरह हैं वहाँ के लिए स्कूप बेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, और यहाँ पे आपको सेंटेक्स पेंट और अलग अलग पेंट के आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, और प्लाई भी अलग अलग मरीन प्लाई और रशियन प्लाई, बर्च प्लाई, अलग अलग प्लाईज में आपको यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। यदि आपको कैबिनेट्स वगैरह इनसे आपको लाइनरे का 4888 चाहिए, अगर आपको 4888 भी बनवाना है या फिर आपको आपके कस्टमाइज़ कराना है आपके अपने हिसाब से, तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। 15 इंच है और मॉनिटर्स वगैरह के भी काफ़ी अच्छे कैबिनेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आगे आपको मैं अभी लाइनरे का भी कैबिनेट्स दिखाने वाला हूँ, तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोज़ है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें आपको रोलर पैंट है वो 14,000 रुपये, 17,000 रुपये तक अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है, और सिंटेक्स पेंट में 20,000 के अंदर अराउंड मिल जाता है। कैबिनेट क्वालिटी नो डाउट अच्छा है, जो जैसे अपन स्पीकर्स इसमें यूज़ करने हैं आपको काफ़ी मतलब 3-4 साल तक आपको कैबिनेट्स यूज़ करने हैं तो इजीली ये 5 से 6 साल तक चलेगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 12 इंच के भी कैबिनेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि जैसे आपके 12 इंच ही है, 12 इंच छोटे प्रोग्राम है या छोटे इवेंट्स हैं वहाँ पर आप अपने स्पीकर को असेंबल करके डाल सकते हैं। यदि आपका कोई आपको अच्छे थोड़ा सा स्पीकर, आजकल नोडियम स्पीकर आते हैं और काफ़ी अलग अलग स्पीकर्स आते हैं जो कि काफ़ी हल्के होते हैं, और आपके जैसे आपको कंप्लीट करना है तो उसमें आपको आने वाली वीडियोस में मैं फैटल प्रो हो गया और आपके जो इम्पोर्टेड स्पीकर्स हैं वो सारे आपको 18 साउंड स्पीकर्स हो गए, और PRDO के काफ़ी लोग यूज़ ही करते हैं, बाकी काफ़ी सारे कंपनीज़ के स्पीकर आते हैं जो आप अपने कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं STX मॉडल का यहाँ पे आपको
कैबिनेट देखने को मिल जाते हैं। STX में भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, आपको 15 इंच में भी मॉडल्स आते हैं, PRX में भी काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं जो कि आपके 15, 12 और 18 इंच में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 इंच का मॉडल है जिसमें आपको 1200 वाट, 600 वाट, 300 वाट की स्पीकर में आपको चाहिए वो भी आपको अलग अलग स्पीकर्स में मिल जाएगा। ये JBL का आपको 725 मॉडल है जो काफ़ी अच्छा है। कैबिनेट क्वालिटी नो डाउट दोस्तों, अगर आपको परचेस करना है अच्छा कैबिनेट या फिर आप सोच रहे हैं हमें ऐसा कैबिनेट चाहिए जो हमें लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो और अच्छा डेप्थ निकले, क्योंकि बर्च प्लाई जो होती है वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और आपके कैबिनेट को ज़्यादा मतलब ज़्यादा एज तक चलाते हैं, जो बर्च प्लाई होती है ज़्यादा एज तक चलती है। तो अगर आपको अच्छा परचेस करना है कैबिनेट तो आप बर्च प्लाई के अंदर जाएं और उसे परचेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाइट केस में भी आपको काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फ्लाइट केस भी मिल जाते हैं। यहाँ पे 6mm 9mm की प्लाई में आपको यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जो है वो फ्लाइट केस मिल जाते हैं। सभी के प्राइस यहाँ पे मेंशन है, लाइक स्टूडियो मास्टर के आपको फ्लाइट केस हो गए, यामाहा के साउंड क्राफ्ट के हो गए, जैसे आपका 12 चैनल का मिक्सर है या 16 चैनल का मिक्सर है वो काफ़ी अलग अलग यहाँ पे आपको यहाँ जो इस पर मशीन वगैरह है उसके फ्लाइट केस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका DBX वगैरह है, क्रॉस ओवर है, इक्वलाइजर है, आपको अगर पूरा स्टेज रैक जैसे बनाना है तो वहाँ यहाँ पे आप परचेस करके आप उसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कैसा आपको इक्वलाइजर जो भी आपको यूजेस है डेली बेसिस से वो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने फ्लाइट केस के अंदर कर सकते हैं, ताकि आपका वो सेफ रहे और लॉन्ग टर्म तक यूज़ हो, क्योंकि फ्लाइट केस का मेनली यही रोल होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इक्विपमेंट है वो काफ़ी सेफ रहे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, क्योंकि ये सारे बहुत महंगे आते हैं। बात करते हैं लाइनरे की, तो यहाँ पे लाइनरे आपको काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स में देखने को मिल जाते हैं। आजकल लोग दोस्तों नए वर्जन में स्विच कर रहे हैं, लाइक लाइनरे ले रहे हैं, सबवूफर ले रहे हैं, क्योंकि जो उनको लाइनरे में डेप्थ मिलता है डुअल स्पीकर के साथ और अच्छा मिड निकलता है, HF वगैरह भी वो काफ़ी लॉन्ग थ्रो तक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12 इंच के ड्राइवर्स, मतलब इसमें 12 इंच के आप ड्राइवर्स लगा सकते हैं। 34,000 का लाइनरे का कैबिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सब वूफर में भी आपको, जैसे आपको सब वूफर में 18 इंच के चलाना है तो वो भी आप इसमें असेंबल कर सकते हैं, अच्छे स्पीकर डाल सकते हैं, आपके लाइनरे कंप्लीट कर सकते हैं अपने साउंड के अकॉर्डिंग, आप अपने लाइनरे सबवूफर को कंप्लीट करके एक बना सकते हैं लाइक रोड डीजेसो के लिए, या आप करते हैं लाइनरे में आपको 12 इंच 10 इंच के भी आप इसमें ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार, ये थोड़ा सा बड़ा लाइनरे है, काफ़ी बड़ा लाइनरे है, इसमें आप काफ़ी अलग अलग स्पीकर जैसे HF वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको जो लॉन्ग थ्रो वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंग वगैरह काफ़ी इनके जो एसेसरीज है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको कोई पार्ट्स भी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, मिल सकते हैं। यदि आपको परचेस करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों।